नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद बिहार में कई नेताओं की किस्मत खुल सकती है। इस बार के चुनाव में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी भी सफल हुए हैं जो राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य हैं। उधर बहुत सारे विधायक भी इस बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। अब उन्हें राज्यसभा की सदस्यता, विधानसभा और राज्यसभा की सदस्यता सांसद चुने जाने के बाद छोड़नी पड़ेगी। लिहाजा नए नेताओं को उन सीटों पर जगह दिया जा सकता है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद लोकसभा का चुनाव जीते हैं। वो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, लिहाजा वो राज्यसभा की सदस्यता से त्याग पत्र सौंपेंगे। वहीं अगर जदयू की बात करें तो सिवान के दरौंदा से कविता सिंह अब सांसद हो चुकी है। वे सिवान लोकसभा सीट से चुनाव जीत गई है। वो अब विधायक पद से इस्तीफा देंगी। त्याग पत्र देने के बाद आने वाले 6 महीने के भीतर सिवान के दरौंदा विधानसभा सीट से भी चुनाव होंगे। विधान पार्षद लल्लन सिंह भी मुंगेर से चुनाव जीत चुके हैं। वे भी विधान परिषद की सदस्यता छोड़ेंगे। उनकी जगह पर भी दूसरे अन्य नेताओं को जगह दिया जाएगा। दिनेश चंद्र यादव जो मधेपुरा से चुनाव जीत गए हैं और वे नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, वे भी विधायक पद से इस्तीफा देंगे। जदयू के टिकट पर बांका से लोकसभा चुनाव में जीत चुके गिरधारी यादव भी जदयू से विधायक है, लिहाजा वे भी विधायक पद से इस्तीफा देंगे। भागलपुर सीट से अजय कुमार मंडल भी जदयू के विधायक है, वे सांसद बनने के हालत में तो अपने विधायक पद से इस्तीफा देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर लोजपा की बात की जाए तो रामविलास पासवान के भाई और नीतीश मंत्रिमंडल के मंत्री पशुपति कुमार पारस भी हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। वे वर्तमान में राज्यपाल कोटे से विधान परिषद के सदस्य हैं। वे विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र देंगे। उधर कांग्रेस के तरफ से एकमात्र कामयाब हुए प्रत्याशी डॉक्टर मुहम्मद जावेद भी किशनगंज सीट से विधायक है, वे भी अब सांसद हो गए हैं। ऐसे में उन्हें भी अपने विधायक पद से त्याग पत्र सौंपना होगा। ऐसे में राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा की बहुत सारी सीटें खाली हो रही है, लिहाजा वहां चुनाव पर अब नए सिरे से चुनाव करवाए जाएंगे। नए लोगों की किस्मत इस तरीके से खुल सकती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक कीजिए। शुक्रिया।